अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं विज ब्रेड सैंडविच, जिसके लिए मैंने आलू पौ किलो आलू 250 ग्राम आलू को मैंने उबाल कर रख लिया है, और थोड़े से मटर, थोड़े से स्वीट कॉर्न को भी मैंने उबाल लिया है। आलू और स्वीट कॉर्न को हम आलू मैशर की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। आलू को हम इसमें डाल लेंगे और ये उबले हुए स्वीट कॉर्न और मटर को भी इसमें डालकर अच्छे से इसे इस आलू मैशर की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। आलू को हमने अच्छे से मसल लिया है, इसमें हम नमक मिलाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से नमक मिलाइए। मैं एक चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू और मटर और स्वीट कॉर्न को मैंने अच्छे से मिक्स कर कर रख लिया है, इसमें नमक डालकर। अब हम दो टमाटर, एक गाजर, दो हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक काट लिया है मैंने, दो टेबलस्पून हरा धनिया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची, नमक, हल्दी, एक मैगी मसाला मैजिक की पैकेट। अब हम गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें एक टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे बड़े चम्मच से। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दो टमाटर मीडियम साइज के, जिसको मैंने काट कर रख लिया है, और एक गाजर। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। दो हरी मिर्च, आलू में हमने नमक डाल लिया है। अब हम सब्जियों के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें नमक, एक चौथाई हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्ची को भी ऐड किया है इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। एक टेबल स्पून टीस्पून चाय के चम्मच से हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर कर टमाटे अच्छे से गलने तक इसे पकाएंगे। गाजर और टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं और थोड़े से गल भी गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मैगी मसाला मैजिक की पैकेट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जो हमने रखा है उसे भी ऐड करेंगे। अगर आप टमाटर डालना चाहें तो डालिए, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो आलू का हमने जो बना कर रखा है आलू, और उसको सब मिक्स कर कर रखा है। अब हम इसमें वो भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को और पूरे सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ लेमन जूस। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो डालिए, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो मत डालिए, क्योंकि मैं ये सैंडविच थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ के डाली, इसलिए मैं लेमन का जूस भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर कर हम ब्रेड पर लगाकर आपको बताऊंगी। ये देखिए, आलू का पूरा हमने इस तरीके से आलू को पूरे सब्जियों से मिक्स कर लिया है। अब हम ब्रेड पर इसका आलू का मिक्सचर को लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट ब्रेड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम अच्छे से लगाकर पूरी ब्रेड पर, हमें दूसरी भी कोई भी चीज़, हरी चटनी वगैरह की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें खट्टा, मीठा, तीखा हर फ्लेवर है। इस तरीके से मैं पूरे ब्रेड को लगाकर बताऊंगी आपको। ये देखिए, ब्रेड की हमने दोनों तरफ भी लगाया है, और इस तरीके से हमने इस पर ये दूसरा स्लाइस का पीस भी इस पर रखकर इस हाथों की मदद से इसे दबाएंगे। और गैस पर मैंने पैन चढ़ा लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा बटर डालकर हल्के से इसे फ्राई करेंगे।
ये देखिए पैन मैंने गैस पर चढ़ा लिया है, इस पर हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और इसके बाद ये जो हमारे ब्रेड के सैंडविच है इसे रखकर दोनों साइड भी अच्छे से सेक लेंगे इसे। ये देखिए इस तरीके से हम इसके दोनों साइड भी अच्छे से, आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल या बटर या असली घी जो भी आप पसंद करते हैं, मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे हम। एक साइड हमने अच्छे से सेक लिया है, दूसरी साइड भी मैंने बटर लगाकर मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे दबाकर अच्छे से थोड़ा सा इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएंगे हम। ये देखिए एक बार के हमारे ब्रेड अच्छे से मैंने इस तरीके से सेक लिया है। अब हम दूसरे, हमने चारों ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरीके से अच्छे से सेक लिया है। अब हम इसमें से शेप में इसे कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारे ब्रेड सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें हमने लगाया है आलू का मिक्सचर और सब्जियों को। देखिए हमारे ब्रेड सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप जो भी सब्जियां पसंद करते हैं इसमें ऐड कीजिए और अपनी मर्ज़ी से बनाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।